नमस्कार, मैं हूं सुमित झाकर, आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर्स के द्वारा काफ़ी समय से हड़ताल चल रही थी और हड़ताल के कारण जो सरल केंद्र थे वो बड़े सुनसान से दिखाई दे रहे थे। काफ़ी सारे लोग परेशान भी दिखाई दे रहे थे कि काम नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज अब कंप्यूटर ऑपरेटर्स जब अपनी मांगों को मनवाने के बाद वापस काम पर लौटे हैं तो सरल केंद्रों में वापस से बाहर लौटी है, लोगों के काम वापस होने शुरू हो चुके हैं। और अभी यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर देख पाएंगे कंप्यूटर ऑपरेटर्स के जो जिला के प्रधान हैं, स्टेट के प्रधान हैं और जो बाकी और सदस्य हैं वो अभी हमारे साथ हैं। तो ज़रा जानेंगे कि सरकार के साथ पिछले 20 दिन तक जब जो हड़ताल के दौरान में इनकी क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ जो अब तमाम जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं, क्या क्या मांगें मानी गई हैं और अब किस प्रकार से जो तमाम जो चीज़ें हैं वो इनके द्वारा आगे की जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनके राज्य प्रधान हैं हमारे साथ में, इनसे ही ज़रा बातचीत शुरू करेंगे। क्या कुछ हुआ था सर, रहे होंगे आप बातचीत के दौरान में पूरी में, तो क्या कुछ बातचीत हुई है? 18-19 दिन तक लगातार आप लोग धरने पर रहे, बीच में एक दो दिन की छुट्टियां भी हो गई, लेकिन आज जब वापस लौटे तो काम तो शुरू हो गया है लेकिन शायद आपका नोटिफिकेशन नहीं आ पाया है अभी तक। जी, ऐसा है जी, हमारी जो हड़ताल थी वो हड़ताल हमारी 15 जुलाई से शुरू हुई थी और वो 2 जुलाई को ख़त्म हुई है। 19-20 दिन का जो पीरियड है, 19-20 दिन का जो ये पीरियड रहा है, इस पीरियड में आम जनता भी परेशान हुई है और हम खुद भी काफ़ी परेशान हुए हैं, लेकिन हम आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते थे और ना ही हम परेशान होना चाहते थे। इसका जो मुख्य कारण रहा है वो हमारी 20-25 साल की जो सर्विस है उसको लेकर के हम प्रयासरत थे। हमारी 6 सूत्री मांगे थी, उन मांगों को लेकर के हम हड़ताल पर चले गए थे और इसके दौरान हमने 15 तारीख से हड़ताल शुरू की थी। 15 तारीख को हमने प्रदर्शन किया था करनाल के अंदर और हमारा जो मेन धरना रहा है वो करनाल में ही रहा है, उपायुक्त महोदय के जो मुख्यालय है उसके सामने रहा है जी। और उसके बाद हमने 15 तारीख को वहाँ पे ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पे जी। उस टाइम पे हमारी कोई बातचीत का न्योता नहीं आया, नहीं तो हम इतनी लंबी नहीं खींचना चाहते थे इस हड़ताल को। उसके बाद हमने 18 तारीख को बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ड्यूटी लगाई उच्च अधिकारियों की, भाई इनकी जितनी भी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द सुलटाओ और ये ज़्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए। उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट करी थी, कहा था भाई आप इस हड़ताल को लंबी मत ले जाना, आम पब्लिक परेशान होगी। तो हमने भी आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री जी को, अभी अगर आप हमारी सारी मांगे मांग लेते हैं तो हम इसको लंबा नहीं लेके जाएंगे। लेकिन फिर भी 15 से 20 दिन तक लग गए अपने जी। 19 तारीख को हमारी सचिवालय के अंदर मीटिंग हुई, फिर 3-4 बार लगातार जो है वो इसका दौर चला मीटिंगों का, लेकिन उसके बाद हमने 1 तारीख को फिर से पंचकुला के अंदर प्रदर्शन किया। पंचकुला के प्रदर्शन के दौरान हमारी मुख्यमंत्री के OSD हैं राकेश सिंधु जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद शाम को देर शाम हमारी जो बिजेंद्रा जी हैं IAS अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी के हेड भी हैं, उनसे हमारी 4 जो IAS अधिकारी हैं उनकी एक कमेटी गठित की गई, उनके अध्यक्ष बिजेंद्रा जी थे, उनसे हमारी बातचीत हुई और हमारी जो 6 सूत्री मांगे थी वो सारी की सारी मांगे उनके ऊपर हमारी सहमति बन गई। और अगले दिन 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से हम दोबारा मिले और वहाँ से हमने फिर हड़ताल का अपना समाप्ति का घोषणा की जी। तो अभी क्या माना जाए कि जो 6 सूत्री जो मांगे थी उनमें क्या कुछ पूरा कर रहे हैं, क्या किसी में थोड़ी बहुत कटौती भी की गई है या फिर बिल्कुल जैसा आपने मांगा था वैसा ही पूरा हो गया? बिल्कुल उसमें कोई कटौती नहीं की गई है जी, बिल्कुल सारा कुछ पूरी सहमति बनी अधिकारियों के साथ और अधिकारियों ने बकायदा लिखित के अंदर उसमें लिखा है कि भाई इनकी ये मांगे सही है, ये मांगे सही है। और हमारा पत्राचार भी शुरू हो गया है, हमारा 2 तारीख से ही हमारा पत्राचार शुरू हो गया था। 2 तारीख के बाद 3 तारीख के बाद लगातार जो हमारे ऊपर से पत्र आ रहे हैं और यहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है सभी जिलों से वो इंफॉर्मेशन लगातार जो है। किस तरह की इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है? जैसे हम ये चाह रहे थे कि भाई हमारी जो DIT है उसका सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन के लिए पूरा डाटा SIT के पास नहीं था, SIT ने नीचे लेटर लिखा है DIT के पास, तो DITS से सारे का सारा डाटा जो है वो ऊपर मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो अब नोटिफिकेशन कब तक जारी करने की बात कही गई है वहां से, क्योंकि पहले भी देखने को मिला है कि कर्मचारी यूनियन धरना करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, बातचीत शुरू हो जाती है, मांगे मान ली जाती हैं, लेकिन बाद में नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाता। तो क्या आप ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कभी आप लोगों का भी नोटिफिकेशन जारी ना हो, कोई समय दिया गया है जी? सर ऐसा इसमें
क्योंकि ये सेंट्रलाइजेशन का मामला है, पद सर्जित का मामला है, उसमें 15 से 20 दिन लगेंगे कम से कम। लेकिन हमने सरकार को केवल एक सप्ताह का समय दिया है और आने वाले शनिवार 10 तारीख से हम दोबारा प्रदेश की मीटिंग करेंगे करनाल के अंदर। अगर हमारी समस्याएं जो हैं उनका समाधान नहीं होता है, जो हमारी मांगे हैं उनका कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी प्रक्रिया रफ्तार से चालू नहीं होती है, तो हमें मजबूरन हो सकता है दोबारा हड़ताल पे जाना पड़ जाए। तो अभी हड़ताल खत्म नहीं गई है, स्थगित करके आए यहाँ? हाँ, स्थगित हुई है जी। जी, मतलब तब अभी इंतजार कर रहे हैं कि कब तक नोटिफिकेशन जारी हो। हाँ, अभी हम इंतजार कर रहे हैं, एक सप्ताह का इंतजार करेंगे और 10 तारीख को करनाल में हमें प्रदेश व्यापी मीटिंग करके आगामी जो रणनीति है उसकी घोषणा करेंगे। अच्छा, परमानेंट करने की जैसे बातचीत आप लोगों के सामने निकल के आई थी जब आपने हड़ताल शुरू की थी, तो क्या उस पर किस तरह का, क्या आगे इनका रुख रहा है, किस प्रकार से क्या प्रोसीजर आगे शायद जो है सरकार अपना पाएगी? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रुख था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने 3-4 कैटेगरीज की जो है वो रेगुलराइजेशन पॉलिसियाँ बनाई हैं और उसमें कहा है कि भाई आपकी जो SIT बनेगी, जो अब DITS है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं SIT में, उसको इसके अंदर रेगुलराइजेशन पॉलिसी के अंदर जरूर से जरूर शामिल करेंगे। जी, तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर जो 6 मांगे थी उनको लेकर के हड़ताल पर बैठे थे कंप्यूटर ऑपरेटर्स और अब हड़ताल खत्म हो चुकी है, वापस से काम पर लौटे हैं। जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं, जरा पूछ लेते हैं सर, जिला स्तर पर आप काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं अपने साथियों के बीच में, कैसा आप रुझान देख पा रहे हैं? कहीं उनके बीच में तो कोई ऐसी बातचीत नहीं रह गई है कि शायद नोटिफिकेशन आने से पहले उठ करके आ गए हैं तो कहीं गलत ना हो जाए? ना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर अपना जो जिला अध्यक्ष को जो ड्यूटी दी गई थी उसमें हर साथी ने बखूबी से अपना योगदान दिया है, चाहे वो चंदे की बात हो, चाहे करनाल धरने पर बैठने की बात हो, अपने हर प्रकार से उन्हें संगठन में अपनी आस्था जताई है। जी, तो अब काम वापस से शुरू हो गया? बिल्कुल, सभी साथी काम पर लौट गए हैं, सुचारू रूप से काम शुरू कर दिया है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक को अगर उसके असुविधा हुई थी हमने उसके लिए बार बार खेत भी प्रकट किया है। जी बिल्कुल, तो अभी आप सुन सकते हैं कि काम पूरा तो अभी जब तक नहीं होगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं जो लोगों का काम है वो शुरू हो चुका है और यूनियन के जितने भी सदस्य थे वो सभी लोग अपने अपने काम पर लौटे हैं। तो विजय जी, आपसे थोड़ा सा एक बार जानना चाहूँगा कि जैसे आप 10 तारीख तक का एक इंतज़ार करने की बात कर रहे हैं, अगर उसके बाद नहीं होता है तो क्या अगली बार क्या इसी तरीके से धरने पर बैठना पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि लोगों को दोबारा से वापस से उस तरीके से जोड़ना शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है दोबारा। सर, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे जितने साथी हैं उनमें बहुत उत्सुकता है और हमने 3 अगस्त को हमने करनाल के अंदर मीटिंग की थी, इसको जो हड़ताल है उसको वापस लेने के बाद हमारा धरना जो करनाल में चला हुआ था उसको हमने 3 तारीख को वापिस लिया है। ठीक है, और वहाँ पे सभी साथियों की सहमति बनी है, सहमति के बाद हमने 10 तारीख की फिर से मीटिंग बुलाई है और मीटिंग बुला करके कहाँ पर होगी वो मीटिंग? करनाल में होगी जी। करनाल में? हाँ जी, करनाल में मीटिंग होगी और करनाल में मीटिंग करके हम जो आगामी रणनीति है उसमें हम वो तय करेंगे। अब भी सरकार ने अगर हमारा नोटिफिकेशन या हमारे जो पत्राचार हैं वो लगातार चलते रहे तो हो सकता है अभी हमें बड़ा आंदोलन ना करना पड़े, अगर नहीं होता है तो हमें मजबूरन कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। जी, तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि बड़ी चेतावनी भी यहाँ पर सरकार को दे दी है कि पिछली बारों की तरह अब की बार भी अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन हो सकता है और सरकार अगर अपने पत्राचार जारी रखती है, तमाम जो सुविधाएं जो अभी इनको देने की बात कर रही है उसके लिए अगर तमाम जो कार्य जो है वो अगर जारी रखते हैं तो ये आगे उसको इंतजार करेंगे कि कब तक इनका कार्य पूरा नहीं हो जाता। हालांकि अभी अगर हम बात करें तो यहाँ सरल केंद्रों में वापस से काम शुरू हो गया है, जनता अब अपने काम करवाने के लिए यहाँ पर पहुँच रही है, जनता की जो असुविधा हो रही थी उसको अब कहीं ना कहीं एक विराम लग गया है, अब वापस से उनको वो सारी सुविधाएँ मिलने शुरू हो गई हैं जो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत मिल रही थी। और अब एक तरह से देखा जाए तो जो तमाम जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं वो थोड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, हालांकि देखना होगा कि नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, तो उस तक भी आप तक की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।